गगहा पुलिस ने चोरी की 36 कुंटल गुड़ व 146 कुंटल गीला गुड़ के साथ तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बरामद किए गए गुड़ की कीमत लगभग 7 लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान शहाबुद्दीन आलम पुत्र नदीम उल्ला थाना चौरी चौरा, पंचदेव यादव पुत्र बिहारी यादव निवासी थाना जगहा व सूर्य नारायण यादव पुत्र स्वर्गीय रामबली यादव निवासी विशुनपुर कैथवलिया थाना अहिरौली बाजार कुशीनगर के रूप में हुई है। पूरी घटना का खुलासा करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति अपनी दो पहिया वाहन से चोरी का गुड़ बेचने पांड्या पार आया था। कड़ाई से पूछने पर बताया कि साहब यह गुड़ चोरी का है, बड़ी मात्रा में गुड़ पंचदेव आदि ने चोरी करके सोनबरसा स्थित गोदाम में रख कर उसे बेचने का प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त के निशानदेही पर दो अन्य अभियुक्तों सहित तीन को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, अपने जगह वहाँ पहुँचा नहीं, इसे जाना था कटिहार, माल नहीं पहुँचा। अब वहाँ जो है जिसका डिलीवरी था उसमें को मालिक को शंका हुआ, फिर माल उठा लिया है, माल इसका जो है बता दिया। थाना गगहा पुलिस को आज एक सफलता मिली है। लखीमपुर खीरी से बरेली के एक व्यापारी ने गुड़ खरीदा था जिसे कटिहार जाना था। ये गैंग एक गाड़ी पे फर्जी नंबर लगा करके वहाँ से उसने गुड़ ट्रांसपोर्ट करने के लिए लोड किया और कटिहार नहीं पहुंचा। तब व्यापारी को जब चिंता हुई तो उसने पता किया, तो पता चला कि जिस गाड़ी के बारे में उसे जानकारी थी, जिस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वो काम करता था, उसने बताया कि नहीं, इस गाड़ी के नंबर वाला तो इस गुड़ को उसने लोड ही नहीं किया है। उसे कहीं से ये पता चला था कि उसका गुड़ गोरखपुर तक गया है। जैसे भी उसने पता किया हो, उसने थाना प्रभारी गगहा से संपर्क किया और फिर एक ऐसा व्यक्ति जो गुड़ मंडी में गुड़ के सैंपल दिखा करके और बेचने की बात कर रहा था, एक दो लोगों को बेचा था, फिर गुड़ की मंडी से पुलिस के पास सूचना आई और एक मुखबिर ने बताया, जिसके आधार पर शहाबुद्दीन नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई और उसने फिर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया, गोदाम से गुड़ बरामद कराया। बताते हैं कि व्यापारी का 8 से 9 लाख का गुड़ था, लेकिन जो रिकवरी हुई है ये 6 से 7 लाख के गुड़ की है। हमने बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया है, आगे विवेचना की जा रही है, इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया जाएगा और लखीमपुर खीरी पुलिस को भी हम सूचना देंगे। उनके यहाँ से इस तरह की घटना हुई थी जिसका माल और 3 अभियुक्त हमने गिरफ्तार कर लिया। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, क्या इसके पहले भी किसी घटना में शामिल मिले हैं? देखिए, ये विवेचना का विषय है। फिलहाल अभी तक उनका कोई आपराधिक इतिहास प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन जब विवेचना होगी सारे तथ्य इनके हेयर अबाउट्स निकाले जाएंगे और लखीमपुर पुलिस भी इसमें शामिल होगी, तो उसके बाद निश्चित रूप से ये पता चल जाएगा। इनका आपराधिक इतिहास भी अगर है तो उसे हम माननीय न्यायालय के संज्ञान में ले आएंगे।